कैसे हो आप? अंकिता किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं सूजी का ढोकला। और इसे बनाने के लिए हमें चाहिए ये मिर्ची है, ये हमारा तिल है, ये मीठी नीम, ये राई, और ये इसे हम इसमें मिक्स करेंगे। और ये है हमारी सूजी, ये दही, और ये हमारा चीनी जिसको हमने अच्छे से क्रश कर लिया है, और ये हमारा नींबू है। और अब हम इन सारे को ऐड करेंगे और अब हम अपने सूजी को इसमें डाल देंगे। हमने पतली वाली सूजी का यूज़ किया है। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है तो आपको थोड़ा सा उसमें ज़्यादा दही ऐड करना पड़ेगा। और हमें चाहिए 1 कप दही। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसे थोड़ा सा गीला मोर करेंगे, पानी इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे और इसे अच्छे से ऐसे ही मिक्स कर लेंगे। हमने इसे अच्छे से घोल लिया है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ऐड कर सकते हैं। और थोड़ी सी में इसमें ऐड कर देंगे मिर्च। आप मिर्च की जगह अगर आपके पास कुटी हुई अदरक और मिर्च है तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं दोनों को। हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक। अगर आपके पास अदरक है तो आप अदरक और मिर्ची का अच्छे से पेस्ट बना सकते हैं। इन सब को अच्छे से मिला लेंगे। और थोड़ी सी में इसमें ऐड कर देंगे चीनी पिसी हुई, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो मिला भी सकते हैं, और अगर आप नहीं मिलाना चाहते तो इसे अवॉइड कर सकते हैं। और हमने इसे अच्छे से फेंट लिया है। और अब इसे 10 मिनट के लिए रख देंगे सीट होने के लिए। दूसरी तरफ हम अपने फ्लेम को जला के और इसे गर्म करने के लिए रख देंगे। और इसमें पानी डाल देंगे बॉयल करने के लिए। और जब तक कि हमारा पानी बॉयल हो रहा है तब तक हम अपने टिन को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे जिसमें हमें ढोकला बनाना है। और अब हम इसमें थोड़ा किसी नींबू ऐड कर देंगे। नींबू डाल के हल्का सा ऐसे हम उसको चला देना है। और थोड़ा सा इसमें ऐड कर देना है इनो पाउडर। और इनो डाल के इसमें हल्का सा हम इस पर पानी डाल देंगे जिसे अच्छे से फैल जाए। और इसे अच्छे से एक तरफ से अच्छे से मिक्स कर देना है। इनो डालने के बाद हमें एक तरफ से ही चलाना है। देख सकते हैं हमने इसे अच्छे से फेंट लिया है। और अब हम अपने ग्रीस किए हुए बर्तन में इसको अच्छे से ऐसे गिरा देंगे। और इसे सेट करने के लिए अच्छे से टकटका देना है ताकि अच्छे से सेट हो जाए। दूसरी तरफ हमने इसे अच्छे से सेट करके इस पे रख दिया है उबलने के लिए। और थोड़े देर के लिए हम इसे ऐसे ढक देंगे। 20 मिनट तक हम इसे ढके ऐसे ही छोड़ देंगे। 20 मिनट के लिए हमें ऐसे ही इसे ढक के छोड़ देना है ताकि हमारा ढोकला अच्छे से बन के रेडी हो जाए। हमने इसे बना के अच्छे से रेडी कर लिया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छे से निकल जा रहा है। इसका मतलब हमारा बन के रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं हमने अपना ढोकला बना के अच्छे से रेडी कर लिया है। और दूसरी तरफ तड़का देने के लिए हम अपने पैन को भी इसमें गर्म कर रहे हैं। और थोड़ी सी हम इसमें ऑयल डाल देंगे और इसे हल्का सा गर्म करने देंगे। सकते हैं हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया। थोड़ी सी हमें इसमें हींग डाल देना है। अब हम अपनी राई को डाल देंगे। इसके बाद डाल देंगे हम हरी मिर्ची, कड़ी पत्ता, और फिर से हमें अपना तिल को डाल देना है। ये हल्के से अच्छे से चला देंगे हम। ऐसे फैलने से इसका तड़का लगा देना है। तड़का आप इसमें अच्छे से फैला दीजिए। देख सकते हैं हमने अपनी सूजी का ढोकला बना के रेडी कर लिया। ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत कम टाइम में बन जाता है। आप इसे कभी भी बना सकते हैं क्योंकि हल्का होता है और फ़ायदेमंद भी होता है। आप इसे स्नैक्स में भी बना सकते हैं और ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।